आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। 90 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में होगा। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि वे अगले साल फिर लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर वहां शांति बहाली की अपील की। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने की भी अपील की। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए वरिष्ठ संवाददाता एन सिंह की खास रिपोर्ट। पहले